हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आज एक बार फिर से वर्क एजुकेशन की क्लास में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक शॉक हमने पहले भी पढ़ा है, अभी रिकैप्सुलेट कर लेंगे इसको जल्दी से। इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है ये हमेशा कैसे अकर होता है, जब भी कोई पर्सन जो है वो इलेक्ट्रिक सोर्स के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सोर्स का, इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स का यहाँ पर क्या मतलब है। हम लोग कोई जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ तो जाते नहीं है, है ना, वहाँ तो हम लोगों की एंट्री अलाउड भी नहीं है। तो हमारे लिए एनर्जी सोर्स का मतलब है हमारे घर पे कोई आउटलेट जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर मैं उसको डायरेक्टली टच कर दूँ उसके वायर्स को तो मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई अप्लायंस जैसे कि टोस्टर, इमर्जन रॉड, जिनको हम लोग टच करते हैं ना यूज़ करने के लिए, अगर इनमें से किसी में शॉर्ट सर्किट हो, मैं टच करूँगी तो उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और या फिर ओपन वायर्स, ये तीन केसेस हो सकते हैं हमारे घरों में डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में जहाँ पर कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब एक्सपोजर तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है, इन तीन तरीकों से हो सकता है, ये हम सब लोग समझ गए, लेकिन वो कितना सीवियर होगा या सिर्फ एक झटका लग के निकल जाएगा या मुझे इंजरीज दे जाएगा, ये बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं। टाइप ऑफ करंट हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग है या डायरेक्ट है। वोल्टेज का लेवल हो सकता है, वोल्टेज का लेवल जो है ये प्राइम फैक्टर होता है एक्चुअली, क्योंकि जितना हाई वोल्टेज से शॉक लगेगा वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि करंट ने कौन सा पाथ लिया है हमारी बॉडी में से फ्लो होने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसकी वजह से देखिए बर्न्स हो सकते हैं हमको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इंटरनल इंजरी हो, कोई एक्सटर्नल मार्क, एक्सटर्नल निशान हो ही नहीं। ये चीज़ें जो होती हैं ना ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से देखने से हमें तो लगता है पेशेंट इज़ फाइन, ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, लेकिन उसको इंटरनल इंजरीज कुछ ना कुछ हो जाती हैं जो फिर उसको परेशान करती हैं। पॉसिबल इंजरीज क्या क्या हो सकती हैं, हम इंजरीज को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक से होती हैं। नंबर वन इज इंटरनल इंजरीज एंड नंबर टू इज एक्सटर्नल इंजरीज। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इंजरीज देखिए, इंटरनल इंजरीज क्या होंगी, स्किन के अंदर जिन्हें कि हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे मसल्स को जो भी नुकसान हुआ है इलेक्ट्रिक शॉक से, इट इज़ ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरनल इंजरीज। तो क्या क्या हो सकता है, मसल्स एंड टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शंस एंड बर्न्स, हार्ट फेल, अनकॉन्शियसनेस, इंटरनल बर्न्स एंड मसल पुल या फिर फ्रैक्चर। नेक्स्ट वी कम टू एक्सटर्नल इंजरीज। एक्सटर्नल इंजरीज में क्या क्या हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल पेन रिपोर्ट कर सकता है जो विक्टिम है, और इसके अलावा किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट्स में पेन। ठीक है, अब इसके बाद डॉक्टर के पास कब ले जाना है विक्टिम को, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, बहुत कंफ्यूज भी करता है ना हम लोगों को, कि विक्टिम को रिपोर्ट किया जिसने कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है या नहीं। जैसा कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि कभी कभी सिर्फ इंटरनल इंजरीज होती हैं, एक्सटर्नल इंजरीज होती ही नहीं है। बाहर से देखने में जो विक्टिम है हमें वो एकदम हेल्दी नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है नुकसान वो हो चुका होता है जिसका उसको खुद को बाद में पता चलता है। ठीक है, थोड़ा टाइम बीतने के बाद। तो इसीलिए जिसको भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है उस पर्सन को, उस विक्टिम को एक बारी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए। फिर वहाँ पे जाकर के डॉक्टर्स डिसाइड करें कि उनको टेस्ट्स करने हैं क्या नहीं, फिजिकल एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसके बेसिस पे वो आगे का डायग्नोसिस जो है वो डिसाइड करते हैं। अब देखिए ये कुछ एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट्स हैं जो कि डॉक्टर्स जो हैं वो जनरली परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर का प्राइमरी कंसर्न क्या होता है कि वो ऐसे किसी इंजरी का उन्हें पता चले, वो उनको फिजिकल एग्जामिन करके ये देखना होता है कि हार्ट में या ब्रेन में कोई ऐसे विजिबल सिम्टम्स तो नहीं है जो इनकी इंजरी की तरफ इशारा करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो बहुत सारे टेस्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चला है, आपने एज अ विक्टिम उन्हें क्या क्या बताया है,
अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में, तो उसी के आधार पर वो लोग ये टेस्ट हमें रेकमेंड करते हैं। देखिए, अगर ईसीजी होता है हार्ट के लिए, ब्लड काउंट चेक करने का टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड या यूरिन टेस्ट, ये किस लिए, ये करते हैं हम लोग मसल के एंजाइम्स को देखने के लिए, एक्सरेज टू लुक फॉर फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस, जब करंट लगता है ना तो कई बार झटके से हम लोग दूर जाके गिरते हैं, है ना, तो उससे हमें फ्रैक्चर हो सकती है। अब ये फ्रैक्चर कहाँ हुई है ये देखने, या सिर्फ फ्रैक्चर ना हो सकता है सिर्फ कोई डिसलोकेशन हो, स्लिप डिस्क हुआ हो, तो उसके लिए एक्सरे किया जाता है। इसके बाद बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है बर्न्स की सीवियरिटी पे और दूसरे जो इंजरीज हैं उनकी सीवियरिटी पे, ठीक है। बर्न्स जो है देखो, इनको ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। जो माइनर बर्न्स हैं, सिर्फ स्किन के ऊपरी हिस्से में जो बर्न्स होते हैं, उनको टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से और ड्रेसिंग से ठीक किया जा सकता है। जो थोड़े से इंटरनली हमें दिख रहे हैं कि बर्न गहरा है, ज़्यादा जला हुआ है, तो उसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। स्किन के अंदर की लेयर्स में अगर बर्न चला गया है, ठीक है, उसका फ्लेमेशन जो है वो अंदर तक चला गया है, तो उस केस में छोटी सर्जरीज या फिर ग्राफ्टिंग्स होती हैं। और अगर बहुत ही सीवियर बर्न्स हैं हाथों में, पैरों में, तो उस केस में तो जो वो बर्न्ड जो मसल्स हैं, डैमेज्ड मसल्स जो हैं, उन्हीं को रिमूव करना पड़ता है। इसके बाद आया मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरे जो, ये तो हुए बर्न्स, अब दूसरे जो इंजरीज हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार आँखों में इंजरीज हो जाती है ना इलेक्ट्रिक शॉक से, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, दिखना बंद हो जाता है, तो आई स्पेशलिस्ट के पास हम लोगों को फिर रेफर किया जाता है उस केस में। ब्रोकन बोन्स, हड्डियाँ टूट गई हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं, उनमें स्प्लिंटिंग, कास्टिंग, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अगर फ्रैक्चर काम, अगर प्लास्टर जो है वो काम ना करे तो, ठीक है। इसके बाद इंटरनल इंजरीज को फर्दर ऑब्जर्वेशन या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों ये था आज का सेशन, इलेक्ट्रिक शॉक को ट्रीट कैसे किया जाता है, इन ब्रीफ आज हम लोगों ने ये देखा। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, इलेक्ट्रिक शॉक जब किसी को लगे तो सबसे पहला पॉइंट उसको डॉक्टर के पास तो ज़रूर लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर डॉक्टर्स जो है वो क्या क्या हमें टेस्ट्स एडवाइस करते हैं ये भी हमने देखा, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे विक्टिम्स की फैमिली मेम्बर्स को उनका ट्रीटमेंट कराने में। आई होप ये टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वैसे तो देखिए हमें कोशिश करनी चाहिए प्रिवेंशन की, है ना, कि यहाँ तक बात ही ना पहुँचे, क्योंकि जिन्हें भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, उन्हें फिर अपनी लाइफ जो है वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जीनी पड़ती है। किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है, किसी की आँखें चली जाती हैं, तो ऐसा हो ही ना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। फर्स्ट एड मतलब विक्टिम को करंट लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इसके बाद एम्बुलेंस उसको लेकर के गई, इन दोनों के बीच का जो टाइम फेज होता है ना वो सबसे क्रूशियल होता है। अगर विक्टिम को फर्स्ट एड सही मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है, उसके जो नुकसान हुआ है उसके शरीर में उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।